लास्ट में एक स्पेशल टिप मैं आपको देना चाहूंगी, अगर आपके बच्चों को घमोरिया हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपिका मॉम कॉर्नर। गर्मियों का मौसम आ गया है, हम अपने न्यू बॉर्न बेबी का देखरेख कैसे करें तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसमें 15 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे केयर फॉर न्यू बॉर्न बेबी। जो पहला टिप है, एवरी 2 आवर्स में आपको बेबी को फीडिंग करानी है। ऐसे बहुत सारे जन आपको जो मिल जाएंगे वो ये कहेंगे कि 6 मंथ से बेबी कम है बट आप उसको पानी पिला दीजिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे को पानी की ज़रूरत है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिलो 6 मंथ बेबी को कभी भी पानी नहीं पिलाना है। डॉक्टर भी आपको यही सजेस्ट करते हैं, आपको डॉक्टर के रूल फॉलो करने हैं ना कि अपने आस पड़ोस के रूल फॉलो करने हैं। और अगर आप उसको पानी पिलाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, माँ के दूध में 80% से ज़्यादा पानी होता है, इसलिए उसे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात यह भी कहते हैं डॉक्टर लोग कि अगर आप बच्चों को पानी पिलाना स्टार्ट कर देंगे तो बच्चा दूध कम पिएगा, जिससे दूध में जो सारे न्यूट्रिशन जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसको नहीं मिल पाएंगे। माँ का दूध नहीं पिला पा रहे हैं तो फॉर्मूला मिल्क यूज़ कीजिए। ये 2 के अलावा कोई भी चीज़ें आपको 6 मंथ के कम के बेबी को नहीं देनी है। जैसे ही बच्चों को डिहाइड्रेशन होगा उसकी स्किन पूरी ड्राई हो जाएगी या फिर उसके लिप्स फटेंगे, तो ये उसकी निशानी है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपका बच्चा 6 मंथ के एबो है और वो पानी पीता है तो उसे याद से आपको थोड़ी थोड़ी देर में पानी ज़रूर से पिलाना है। अब कब पिलाना है, कितना पिलाना है, ये मैं आपको बताती हूँ। और है कि 24 आवर्स में बच्चा 6 से 8 नैपी गीली करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, उससे कम कर रहा है, तो वो डिहाइड्रेशन का शिकार है, उसमें पानी की कमी हो चुकी है, इसलिए आपको उसे ज़्यादा से ज़्यादा फीड करना ज़रूरी है। ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि लास्ट में मैं एक स्पेशल टिप देने वाली हूँ। पॉइंट है कंफर्टेबल क्लॉथिंग। आपको गर्मी के समय में विशेष करके ये ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को कॉटन के कपड़े पहनाएं और जो दूसरे मटेरियल रहते हैं वो बिल्कुल प्लीज़ मत पहनाइए, और हमेशा वॉश करके ही न्यूबॉर्न को कपड़े पहनाने चाहिए। पॉइंट ये है डायपर फ्री टाइम दे बच्चों को। आप रात को एक टाइम बच्चों को डायपर पहना के सुला सकते हैं, बट दिन भर ये कोशिश करें कि डायपर बच्चों को ना पहनाएं। गर्मी के समय में बच्चों को बहुत ज़्यादा रैशेस आने के चांसेस रहते हैं, तो आप उसे कॉटन की लंगोट या फिर कह लीजिए नैपी पहनाएं। कुछ देर में वो गीला करेगा, उसके नीचे मैट रख दीजिए। आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे मैट्स आते हैं। डायपर फ्री रखेंगे तो उसकी स्किन में जो इरिटेशन और इन्फेक्शन गर्मी की वजह से होने वाली है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए लगभग 2 मंथ्स तक आप बच्चों को एक एक दिन छोड़कर एक एक दिन नहलाइए, और आफ्टर 2 मंथ्स आप बेबी को 2 टाइम बाथ दे सकते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी 2 टाइम बच्चों को बाथ दीजिए। अगर 6 मंथ के ऊपर का बेबी है तो उसे हमें पानी पिलाना है। ध्यान क्या रखना है कि हमेशा बॉइल्ड वाटर यूज़ कीजिए, उबला हुआ पानी को ठंडा कर ही बच्चों को पिलाना है। और आप ऐसी कहीं बाहर का या बिस्लरी पानी बच्चों को बिल्कुल भी ना पिलाएं। सिर्फ 1 साल तक बॉइल्ड वाटर ही बच्चों को पिलाना है। ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन है कि 118 मिलीलीटर से ज़्यादा पानी हमें बच्चों को नहीं पिलाना है अगर वो 6 मंथ के ऊपर है। और जो 1 साल के ऊपर के बच्चे हैं उसे 1.3 लीटर पानी तक आप पिला सकते हैं, उससे ज़्यादा पानी नहीं पिलाना है। टोटली अवॉइड आउटसाइड फूड फॉर 1 ईयर बेबीज। 1 ईयर के बेबी को कभी भी बाहर की चीज़ें ना खिलाएं। आप ऐसे सोच रहे हैं हम घूमने जा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, बच्चे को थोड़ा सा जूस चटा दिए, ये चटा दिए, वो उसके पास पूरी लाइफ पड़ी है खाने को, साल भर उसको बिल्कुल भी इन्फेक्शन से अगर आपको बचाना है तो आउटसाइड फूड जो है हमेशा अवॉइड कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, क्या हम बच्चों को AC में सुला सकते हैं या नहीं सुला सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप सुला सकते हैं, बट आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके AC का टेम्परेचर हमेशा 24 to 27 के आसपास होना चाहिए, और बेबी को लेयरिंग करके क्लॉथ्स पहनाएं, अंदर एक वेस्ट पहनाएं, उसके ऊपर एक टी शर्ट पहनाएं, अगर हो सके तो फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहनाएं। उसे देखते रहें, अगर उसे ज़्यादा ठंडी लग रही है तो उसे आप ब्लैंकेट उड़ा सकते हैं, अगर उसे कम ठंडी लग रही है तो एक लेयर कम कर दें। इस तरीके से आप AC कूलर के साथ भी अपने बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डायरेक्ट फैन की, AC की या कूलर की हवा में बच्चे को न रखें तो ही बेहतर होगा, नहीं तो बच्चे को बहुत जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है। इसलिए हमें
इन बातों का, ये छोटी छोटी बातें बट हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। अवॉइड गोइंग आउटसाइड ड्यूरिंग 10 to 5 PM, 10 से 5 बजे का समय ऐसा रहता है कि बहुत गर्मी रहती है और गर्म हवाएं चलती है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो इसलिए हमें इस टाइम पर 10 से 5 बजे के बीच अपने बच्चों को बाहर ले जाना अवॉइड करना चाहिए। बट फिर भी न्यू बॉर्न बेबी को वैक्सीनेशन के लिए या कुछ भी काम के लिए हमको लेके जाना पड़ता है, तो उसे फुल स्लीव्स की ड्रेस पहनाइए, उसका पूरा कवर कर दीजिए कपड़े से, जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहे और उसे अगर आपका बच्चा 6 मंथ से अबोव है, 6 मंथ से बड़ा है, तो आप ज़रूर से सॉलिड स्टार्ट कर दिए होंगे, सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट कर दिए होंगे। तो गर्मी के मौसम में सिर्फ एक टाइम का ही खाना बनाएं, फ्रेश फूड खिलाएं। ऐसा नहीं कि सुबह आपने दलिया बनाया तो रात को भी दलिया खिला दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऑयल मसाज के लिए हमेशा गर्मियों के टाइम में कोकोनट ऑयल का यूज़ कीजिए। कोकोनट ऑयल बच्चे को ठंडक प्रदान करेगा। गर्मियों में मसाज के बाद बच्चों को अच्छे से क्लीन कीजिए, उसके स्किन में थोड़ा सा भी ऑयल नहीं रहना चाहिए। अगर ऑयल रहा तो उसे घमोरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 1 साल तक के बच्चों को कभी भी ठंडे पानी से नहीं नहलाना चाहिए, तो हल्का गुनगुने पानी से बच्चों को नहलाएं, जिससे कि उसका ऑयल भी जल्दी से निकल जाएगा और जो बॉडी है वो अच्छे से क्लीन भी रहेगी। ओके, गर्मी में हमेशा डेंगू और मलेरिया जैसे रोग फैलते हैं, इसलिए हमें अपने बच्चों को गर्मी में मच्छर से दूर रखना है। बहुत सारी मार्केट में छोटी छोटी मच्छरदानी, क्यूट क्यूट सी मच्छरदानी आती है जो कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए रहती है, तो आप लीजिए और बच्चों को मच्छरदानी में ही सुलाइए। चाहूँगी गर्मियों में हमेशा हल्के कलर्स, लाइट कलर्स का यूज़ कीजिए, जैसे कि वाइट, लाइट येलो, लाइट पिंक, लेमन कलर, लाइट ब्लू कलर, ये सब कलर्स जो है बहुत सूदिंग होते हैं और बच्चों को गर्मी से बचाते भी हैं और आँखों को भी चुभते नहीं हैं। मैं एक स्पेशल टिप मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आपके बच्चों को घमोरिया हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं एलोवेरा जेल और जस्ट बच्चों के स्किन में ऐसे अप्लाई कर दीजिए, 10-15 मिनट बाद उसे वॉश कर दीजिए, तो जो उसका स्किन एलर्जी है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट होम रेमेडी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को आप रोज़ वाटर में मिलाकर भी लगा सकते हैं या फिर जस्ट ऐसे पानी में मिक्स करके आप स्किन में लगा दिए जहाँ जहाँ उसको घमोरी है, और उसके 10 मिनट बाद आप उसे क्लीन कर दीजिए। न्यूबॉर्न्स में घमोरियों के लिए आप कैलामाइन लोशन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट कैलामाइन लोशन को यूज़ करने के पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपके बच्चे का स्किन कैसा है और उसमें ये चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर वो आपको कोई और लोशन भी लिख कर दे सकता है। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये आज का वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, और सब्सक्राइब बटन तो ज़रूर से क्लिक कर देना, क्योंकि मैं आने वाले समय में न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं मुझे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।